तो 25 रुपये पर पर्सन है जो सिर्फ इस म्यूजियम की है, म्यूजियम ऑफ कार्टोग्राफी, डिपार्टमेंट उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ये भैया हमारे यहाँ पर भाई साहब विंटेज सारे टेलीस्कोप और पड़े हुए हैं। मतलब कितने पुराने पुराने इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये वो। सर्वे चेन फोकस वगैरह करने के लिए देख रहे हो, सारा दिया हुआ इसमें 1982 से 150 एडी से लेकर 1832 तक। वर्ल्ड मैप हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी। अच्छा इसके अंदर आपको अगर ऑडियो सुनना है तो स्कैन भी कर सकते हो, ये रहा स्कैन हेयर फॉर द ऑडियो कंटेंट, वो आपको बताता रहेगा कि कहाँ से क्या है। ये सारे कंपास हैं डम्प्टी लेवल। वाह यार वाह क्या कलाकारी है, जबरदस्त। ये सारा जॉर्ज रिवर्स से रिलेटेड है, ये देखो इसके अंदर भी। चलो ये अच्छी बात है, क्लीन करने के लिए चल रहा है, एयर क्लीन हो रही है। ये रहा सारा हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट वगैरह सब कुछ बताया हुआ है इसके अंदर। बढ़िया भाई बढ़िया। मैग्नीफाइंग ग्लास विद ब्रास स्टैंड, बाइनोकुलर्स विद बीप कंपास, कितने अच्छे से बना रखा है, दिस इज वेरी नाइस। ये है स्टूडियो लैंप, आजकल ये चल रही है ना, ये देखो उस टाइम की है, आजकल दोबारा ट्रेंड में आई हुई है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ये है, उनके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। 4 जुलाई 1797 दिसंबर 1866 ये है वो बाइनोकुलर्स। पार्क स्टेट मसूरी इसके अंदर हम देख सकते थे यहाँ से करके, तो सारा मतलब समझ आता था भाई, ये ही है खोज करते रहते थे। ये यहाँ पर ठीक हो रहा है, अभी कुछ फॉल्ट आ रहा है इस वजह से अभी नहीं चल रहा, नहीं तो ये वर्किंग होता है। आप देख सकते हो यार क्या नज़ारा है अल्टीमेट। भाई साहब ये तो अलग ही लेवल है, देखो है ना मस्त। ओके जीपीएस किस वजह से सिग्नल करना वो करता है, ओके देख रहे हैं कि अर्थ ग्लोब जो आगे फिट है, हाँ जी, उस पे तो आपकी लोकेशन को शो करवा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट करके वो आपको टैब में शो करवा रहा है। ओके क्या मतलब आजकल आधुनिक तरीके आ गए हैं भाई, वेरी नाइस इंप्रेस्ड।
भाई 25 रुपीज़ देने तो वर्थ रहे सिर्फ इस जगह के। वेरी नाइस। पंडित नैन सिंह, किशन सिंह रावत, राधानाथ सिकंदर, ये सब इनके बारे में बता रखा है। प्लेन टेबल सेट, एक्सप्लोरर्स ऑफ इंडिया। और ये ना जगह जगह एयर प्यूरीफायर इन्होंने इसलिए लगाया ताकि मॉइस्चर ना आए, और मतलब ये जो इन्होंने इतना अच्छे से बनाया ये ख़राब ना हो मॉइस्चर की वजह से। तो इस वजह से हर रूम में और हर जगह इन्होंने लगाया है। ये वाला रूम पता नहीं बंद है, कुछ नहीं है अभी इसमें। ये देखो ये ऑडियो चल रही है कि कैसे कैसे इन्होंने बनाया, कितना टाइम लगा, क्या लगा, सारी ये ना सारी पिक्स हैं। कितनी बढ़िया चीज़ है। भाई हर काम में मेहनत तो लगती है, स्टार्टिंग करने में भी टाइम लगता है, और जब वो बन के आती है तो फिर एक अलग ही नज़ारा होता है। ग्लिम्स इन द मेकिंग, म्यूजिंग ऑफ कार्टोग्राफी, ऐसे था ये। देखो फिर इसको दोबारा करा, कितना प्यारा बनाया। देखो कितना टाइम लगा इसको बनाने में जब ये रेनोवेट हुआ। अच्छा 2 साल लग गए इसको। ओके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। वर्ल्ड का मैप बन रहा है। रिफ्लेक्शन की वजह से ना क्लियर नहीं आ रहा। बस अब धीरे 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 बन गया। ये देखो स्प्रे पेंट हो रहा, ये ग्लोब बन गया जो अंदर दिखाया था अभी। वेरी नाइस।